सो हे व्हाट्स अप गाइस, यार कैसे हो आप लोग? हाई होप यार आप लोग ठीक होंगे। माय नेम इज अमित, यू वाचिंग स्मार्ट बॉय हैक्स। तो गाइस यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर दो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में, जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में पता लग जाएगा, और जो कि भाई आप डेली रूटीन में करते हो और आपको पता भी नहीं होगा। तो मेरे भाई, अगर आप में ये बैड हैबिट्स हैं तो भाई इन वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि आप में कौन सी इनमें से बैड हैबिट्स है जिन पे आप कंट्रोल करना चाहते हो और कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मेरे भाई, नंबर वन पे जो बैड हैबिट्स आ रही है वो बिल्कुल कॉमन है भाई, बहुत सारे बंदों के पास मैंने देखा और भाई आपने भी देखा होगा जो मैं आपको बताऊंगा, तो भाई आप समझ जाओगे। तो भाई अगर आपके अंदर भी है तो भाई इसको अवॉइड करो यार, थोड़ा कंट्रोल करो इसको, क्योंकि भाई ये बहुत ही अजीब सा लगता है। तो नंबर वन पे आ रहा है भाई नेल्स बिटिंग। जी हाँ मेरे भाई, अगर आप कहीं पे जाते हो तो भाई बाहर जाते हो तो आपने देखा होगा कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई कई बंदे भाई मुंह में नाखून लेके और भाई काटते रहते हैं अपने नेल्स को, भाई तिरछे काटते रहते हैं, मुंह में उंगली डालते हैं, नाक में उंगली डालते हैं, तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ उंगली डालते हैं। तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर उन बंदों को देखते हो तो आपको लगता है क्या कि भाई ये कैसा चूतिया बंदा है, भाई ऐसे ही क्या करता रहता है, इसको पता नहीं क्या मजा आता है, इसके घर में भाई नाइन कटर नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है। तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे भाई आपकी लुकिंग पे भाई बहुत ही प्रभाव पड़ता है और भाई आप भाई बिल्कुल बैड लुकिंग दिखते हो और भाई बिल्कुल भी आप नेचुरल नहीं दिखते हो। ऐसा लगता है जैसे भाई कोई पागल आदमी यहाँ पे घूम रहा है और भाई ऐसे ही पागल करते भाई, जैसे मुंह में उंगली दिया, नाक में उंगली दिया। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो भाई नंबर टू पे बताने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को सेट कर देना। नंबर टू पे हम बात करते हैं बैड हैबिट्स की, जो कि है भाई स्मोकिंग शो करना। जी हाँ मेरे भाई, अगर आप भाई कहीं भी जाती हो भाई, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो भाई कई बंदों को आपने देखा होगा, जैसे भाई कोई लड़की जा रही है तो लड़की के सामने भाई सिगरेट लेंगे, जलाएंगे और भाई वहीं पे लग जाएंगे सुट्टे मारने। तो भाई लड़की क्या सोचती है, भाई बंदे तो ये सोचते हैं कि भाई लड़की भाई बहुत ही अच्छे समझ रही है हमको कि भाई हाँ भाई ये स्मोकिंग करता है, कितना भाई अच्छा बंदा है। तो भाई लड़की सही बताऊँ तो वो सोचती है कि भाई कितना चूतिया बंदा है, सबके सामने स्मोकिंग करता है, तो भाई आगे पता नहीं क्या क्या करता होगा। तो भाई ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई, किसी के भी सामने स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप स्मोकिंग की भाई लत लग चुकी है तो भाई इसको अवॉइड करो। अगर भाई आप कभी कभी स्मोकिंग करते हो तो भाई ऐसे मत करो भाई ओपन में, भाई किसी के भी सामने लिया तो भाई आपको भाई उसके उससे आपको होता क्या भाई, उससे आपके समाज में और आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में आपकी भाई छवि खराब होती है। और भाई आपने देखा होगा कई बंदे आपको, अगर आप स्मोकिंग सबके सामने करते हो तो भाई कई बंदे करते क्या है, आपको देखते ही भाई रास्ता चेंज कर लेंगे, या फिर आपको भाई बड़े लोग तो ऐसे देखते हो जैसे भाई कोई खून करके आया हो बंदा। तो भाई ऐसा आपको नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी। अगर स्मोकिंग करते हो तो भाई स्मोकिंग शो नहीं करनी आपको कभी भी। नंबर तीन पे आता है मेरे भाई हार्ड ड्रिंकिंग। जी हाँ मेरे भाई, हार्ड ड्रिंकिंग, अब आप सोच रहे होगे भाई ये तो सभी करते हैं, भाई ये नॉर्मल है भाई, पर भाई आपको ड्रिंक नहीं करना। अगर ड्रिंक करते हो तो भाई आपके भाई वही बात है भाई, स्मोकिंग वाला ही सिस्टम है भाई। ड्रिंक तो भाई ऐसी चीज़ है कि भाई आपको अपने होश आवाज में नहीं रहते भाई, किसी को कुछ भी बोल देते हो, चाहे आपके घर वाले हो, पड़ोसी हो, भाई रिश्तेदार हो, तो भाई ज़्यादा अगर ड्रिंकिंग करते हो तो भाई आप अपने दिमाग का संतुलन खो सकते हो और भाई आप भाई अपने समाज में छवि बिगाड़ रहे हो। तो भाई अपने आप को भाई संभालो, ड्रिंकिंग आप अगर करते हो तो भाई कम किया करो, इतनी मत किया करो कि भाई आप अपना आपा खो दो और भाई किसी को भी गाली दे रहे हो चूतिया वूतिया, तो भाई ऐसा आप मत करो भाई। तो मेरे भाई अब ड्रिंकिंग के बारे में बोल रहा हूँ तो भाई कई बंदे सोच रहे होंगे भाई ये बच्चा सा बंदा हमको भाई ज्ञान दे रहा है, भाई सही ज्ञान दे रहा हूँ भाई, मेरे को पता है भाई, मैं अपने मोहल्ले में पड़ोस में देखता हूँ भाई ड्रिंक करने वाले बंदों, भाई कोई पास भी नहीं बैठना चाहता भाई, मैं खुद भाई पास नहीं बैठना चाहता उनके भाई, इतनी गंदी बदबू आती है जितनी भाई कोई सड़े हुए नाले में से भी नहीं आती, जितनी ड्रिंक करने वाले में से आती है। नंबर फोर बैड हैबिट्स की बात करते हैं मेरे भाई, ये चीज़ आपने देखा होगा और भाई मेरे को लगता है भाई आप भी करते होगे भाई, पहले मैं भी करता था बट मैंने यार बाद में देखा तो भाई मेरे को पता चल गया है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नंबर चार पे बैड हैबिट्स की बात करते हैं मेरे भाई, नंबर चार पे आता है भाई लेट तक सोना। जी हाँ मेरे भाई, नाइट में हम करते क्या भाई, नाइट में तो लेट तक फ़ोन चलाते रहते हैं, सुबह उठते नहीं है। तो मेरे भाई अगर आप नाइट में लेट तक फ़ोन चलाते हो तो भाई इसको थोड़ा अवॉइड करो और भाई कम करो। तो मेरे भाई अगर आप नाइट में फ़ोन चलाने की आदत आपको पड़ी हुई है तो भाई इसको कम करो, आप भाई 11 बजे से पहले सो जाओ और सुबह भाई 6 बजे से या 5 बजे उठ जाओ भाई, वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि भाई सुबह ज़्यादा देर तक सोना भाई, आपके बड़े घर में जो भी बड़े हैं वो भी ये बोलते होंगे कि भाई सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। तो भाई आपको पता है भाई, अगर आप नाइट में लेट तक फ़ोन चलाते हो, 12-1 बजे तक फ़ोन चलाते हो और सुबह भाई आप जल्दी उठ जाते हो या फिर लेट उठते हो, तो भाई आपको पता है भाई साइंस का भी मानना है कि भाई 8 घंटे से नहीं तो भाई 6 घंटे की तो नींद आपको लेनी चाहिए। तो अगर भाई आप नाइट में लेट तक फ़ोन चलाते हो तो भाई आपकी 6 घंटे की नींद भी पूरी नहीं होगी। तो उससे भाई होगा क्या भाई, उससे होगा क्या मेरे भाई, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। जी हाँ मेरे भाई, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। तो भाई इससे अच्छा है कि भाई आप अपनी आदत को सुधारो और भाई सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो।
तो मेरे भाई अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे न्यू चैनल को लिंक मिल जाएगी, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। मैंने न्यू चैनल बना दिया है, उसमें आपको होगा क्या भाई, आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। जैसे मैं कहीं पर जाता हूँ तो व्लॉग बना दूंगा, या फिर कोई चैलेंज से वगैरह की वीडियो मिल जाएंगी, या फिर कोई रोस्टिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे भाई नंबर 5 पे जो बैड हैबिट्स आती है वो है भाई इनसिक्योरिटी। जी हाँ मेरे भाई, अब आप सोच रहे होगे भाई ये क्या बोल दिया। जी हाँ मेरे भाई, अब इनसिक्योरिटी में होता क्या है भाई, आप भाई किसी भी बंदे को देखते हो तो भाई उसके शौक भाई बड़े बड़े होते हैं। किसी भी अमीर बंदे को देखते, किसी भी भाई किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास महंगा फ़ोन है, तो आप भाई सोचते क्या हो कि भाई मेरे को भी ये महंगा फ़ोन चाहिए, मेरे को भी ये महंगा फ़ोन चाहिए, महंगा गाड़ी चाहिए। तो भाई आपको ये करना है तो भाई आप अपने पैसों से करो भाई, दूसरे को होल्ड करना है तो भाई अपने पैसों से करो, अपने बाप के पैसों पर मत उछलो। जी हाँ मेरे भाई, अगर आपको अपने शौक़ पूरे करने हैं तो मेरे भाई आप अपनी मेहनत से करो, अपने मेहनत को भाई अलग लेवल पे पहुंचाओ, जिससे आप अपने शौक भी पूरे कर सको और भाई घर वालों की बकचोदी भी ना सुननी पड़े। अब भाई होता क्या है, बेसिकली आप किसी के पास देखते हो कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा फ़ोन है, तो भाई आप घर वालों को बोलते हो भाई मेरे को फ़ोन दिलाओ, ये दिलाओ, तो भाई घर वाले चार भाषण आपको देंगे, और भाई आप भाई फिर आपके मन में भाई उल्टी सीधी हरकत आएगी। तो भाई इससे अच्छा है कि भाई अपनी मेहनत से जो भी करना है अपनी मेहनत से करो। आप भाई किसी को भी किसी की भी होड़ करते हो तो भाई आप डिमोटिवेट हो जाते हो, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाता है, फिर आपका कुछ करने का मन नहीं करता, फिर उल्टी सीधी आपके सोच दिमाग में आती है कि भाई मैं मर जाऊँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले किसी की होड़ नहीं करनी, अगर आप किसी की होड़ करना चाहते हो तो अपने दम पे करो। तो भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को सेलेक्ट कर देना, जिसपे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो भाई अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।